संजय सरवणी और आप देख रहे हैं लकी डीसीए न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कांग्रेस के द्वारा दिया गया विशाल धरना, जमकर बोला प्रदेश सरकार पर हमला। सहायक सचिव के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर दमोह में हुए अनेक कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। दमोह जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम पहुंचने के पहले हुआ कायाकल्प। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला कांग्रेस कमेटी की, जिसके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर काफी तादाद में कांग्रेसी मौजूद थे, जिनके द्वारा जमकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, अम्बेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों के द्वारा जमकर आरोपों की बौछार की गई। इस धरना प्रदर्शन में जमकर निशाना साधा गया कि बीजेपी सरकार में तीन काले कानून आए हैं, ये कृषि कानून है, बिजली सहित अन्य मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला गया। प्रदेश के अंदर तो क्या पूरे देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और दमोह में भी हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज केंद्र में बैठी हुई सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। महंगाई को देखिए, डीजल पेट्रोल का रेट देखिए, गैस सिलेंडरों का रेट देखिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश उनपे नंबर वन पर है, उसको देखिए। इन सभी बातों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में 25 तारीख को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 10 बिंदु हमारी पार्टी के जो मुख्य समस्याएं हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें तीन कृषि कानून, काले कानूनों को वापस लेने का, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट, गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए रेट, महंगाई व्यवस्था, प्रदेश में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था, बिजली के बिल जैसे अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर लेके आज हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग एक संकेतक चेतावनी भी दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार को कि आप अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करिए। अगर गांव का किसान आंदोलित हुआ तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भोगने पड़ेंगे। और आदरणीय अजय टंडन जी, हमारे विधायक प्रताप सिंह जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई यशपाल और अन्य लोग जो यहाँ हैं, उन सभी की सहमति से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शीघ्र ही जिला स्तर पर एक हम बड़ा आंदोलन, यहाँ पर रैली भी करने वाले हैं जो सरकार की अव्यवस्था। हर्षद बंटी पठान के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीए न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर दमोह में भाजपाइयों के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। दमोह में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचकर भाजपाइयों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दमोह के पंडित दीनदयाल पार्क में काफी तादाद में भाजपाई पहुंचे, जिनके द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री संजय राय के अलावा काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वचनों को लेकर जाने वाली है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं उन विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं। दमोह जिले में 1192 पोलिंग बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रचना के साथ 1192 भारतीय जनता पार्टी हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके वजह से, जिनके अथक प्रयासों से आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो इस समय स्वरूप ले चुकी है और जिस विशाल स्तर पर जा चुकी है, उनकी अथक मेहनत का परिणाम है। उनकी जन्म जयंती हम सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं। प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से भी आज जिला अस्पताल में एक फल वितरण का कार्यक्रम है और सब 22 मंडलों में, जिले में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से फल वितरण का कार्यक्रम कर रही है और अनेकों कार्यक्रम हैं। हम अपने ऐसे
पितृपुरुष जिन्होंने पार्टी को इतना आगे बढ़ाया, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको याद करते हुए उन्हीं के आदर्शों पर हम सभी लोग चल रहे हैं। जय हिंद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ उनके द्वारा संकल्प लिया गया कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैं देश सेवा करेंगे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल के मरीज आज काफी खुश थे। यहाँ पर चारों ओर खुशबू आ रही थी। गंदगी का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर पौधे भी रख दिए गए थे जिससे मरीज काफी खुश थे। ऐसा पता पड़ा था जैसे किसी निजी अस्पताल में आए। जब पता किया गया कि ऐसा क्यों है तो पता चला कि कायाकल्प की टीम के पहले यहाँ का कायाकल्प कर दिया गया। दमोह जिला चिकित्सालय में कायाकल्प की टीम पहुंची है। अगर कायाकल्प में प्रथम स्थान मिलता है तो करोड़ों रुपए की राशि विकास के लिए मिलती है। अगर ऐसा न हो तो प्रोत्साहन राशि ही तक सीमित रखा जाता है। आज कायाकल्प की टीम पहुंची जिसके द्वारा यहां का निरीक्षण किया गया। कायाकल्प की टीम पहुंचने के पहले दमोह जिला चिकित्सालय में कायाकल्प किया गया। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, यहां तक कि गमले भी रखवाए गए। इतना ही नहीं, जब टीम यहां पहुंची तो आगे आगे चार लड़के चल रहे थे जो लगातार सेंट का छिड़काव कर रहे थे, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे थे। चारों ओर साफ सफाई दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। अधिकारी कर्मचारी थे लेकिन वह मास्क नहीं लगाए थे। लेकिन यहाँ जो गंदगी है वह कहीं ना कहीं से नज़र ही आ जाती है। गंदगी कहती है कि हम जिला अस्पताल का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो लोग आज जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुँचे उनका कहना था कि इसी तरह की व्यवस्थाएँ और इसी तरह से कायाकल्प की टीम प्रतिदिन आए तो उन्हें काफ़ी बेहतर सुविधाएँ मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े निजी अस्पताल में लोग पहुँचे हों। अब कायाकल्प की टीम में कितने नंबर मिलते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई कि कायाकल्प की टीम पहुँचने के पूर्व दमोह जिला अस्पताल में जहाँ बदबू का आलम रहता था अब खुशबू ही खुशबू आ रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। टाइम्स कॉलेज खबरों में बात करेंगे मड़िया दो की, जहां सहायक सचिव के साथ मारपीट हुई थी। आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मड़िया दो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां पर रोजगार सहायक के साथ मारपीट की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना पर नाराजगी रखते हुए बृजेश सिंह ने मारपीट की थी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। मड़िया दो थाना प्रभारी विक्रम सिंह दांगी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। पंडित दीनदयाल अवसर पर भाजपाइयों के द्वारा दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए गए। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की गई। काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जिनके द्वारा आज दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दमोह जिले भर में सेवा और समर्पण अभियान के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जन्मदिन मना रहे हैं। उसके अलावा आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भाई संजय राय जी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे पिछड़े हुए लोगों की सेवा करने का काम जो लोग करते हैं तो निश्चित ही उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले भाई संजय राय जी के नेतृत्व में हम सभी ने
जिला चिकित्सालय फल वितरण कर हमारे दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई। आज दीनदयाल जी जयंती के अवसर पर हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल जी उपाध्याय जयंती के अवसर पर जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है एवं पूरे ज़िले में उनकी जो पार्टी के लिए उनने जो किया है उस सबको याद मनाते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में यह फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया जो पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और पूरे जिलों में पूरे मंडलों में जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी अवसर पर हम जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हम सभी कार्यकर्ता लोग फल वितरण करने आए थे। संजय सरवरिया, डीसीएन न्यूज। दमक के निजी गार्डन में जैन समाज का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य धगर चौराहे पर जैन मंदिर स्थित है जिसकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। दमोनार के धगड़ चौराहे के समीप स्थित श्री जैन मंदिर का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दमो के आशीर्वाद गार्डन में यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ जहां समाज का सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ दमो विधायक अजय टंडन भी मौजूद रहे। क्यों अतः प्रतिमा जी बहुत प्राचीन है यह जगत होता है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि जहाँ हम एक कुंडलपुर के वाले मामा की छत्र छाया में है वही चौधरी मंदिर जी में विराजमान चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक पूजन का लाभ भी ले पाते हैं। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि चौधरी मंदिर जी पहुंचकर चंद्र प्रभु चमत्कारी चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन कर अपने आप को धन्य अवश्य करें। आयोजन के दौरान जहां हम वरिष्ठ सम्मानित जन का सम्मान कर रहे हैं वहीं समाज के भक्तों का एवं मंदिर जी को इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले सम्मानित रंगीनों जन का स्वागत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम निवर्तमान कार्यकारिणी का सम्मान कर भविष्य में उनके मार्गदर्शन के आकांक्षी रहेंगे। अंत में इस क्षमा वाणी के अवसर पर आपसे आग्रह करते हैं कि आप अवश्य ही स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उत्तम क्षमा, धन्यवाद, जय जिने। इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमो देहात थाना अंतर्गत इमनाई से एक मामला सामने आया था जिसमें गोली चली थी। एक युवक को गोली लगने के बाद जबलपुर रेफर किया था। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित काफी परेशान है। दमो देहात थाना अंतर्गत इमलाई में गोली चलने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद पीड़ित पक्ष लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। आज दमो पहुंचा जिसके द्वारा बताया गया कि 7 शिकायतें अब तक वह कर चुका है। लगातार धमकी भी मिल रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उमाशंकर तिवारी, हनौता घाट। क्या समस्या? समस्या यही है, बड़े भैया को गोली लग गई थी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक माह होने वाला है। हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई हो, वो गिरफ्तार हो। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आपने तो बता नहीं सकते यार, पुलिस FIR की थी जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस विभिन्न हनौता घाट के रहने वाले हैं, मुन्ना तिवारी हमारा नाम है। हमारी ये समस्या है कि 25 अगस्त को हमारे साथ हमारे बड़े लड़के के साथ गोलीकांड हो गया था। उसमें एक माह होने जा रहा है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस विवेचना का हर बार हवाला देती है और जो अपराधी हैं वो खुली बाजार में घूम रहे हैं और उनको किसी प्रकार का खौफ नहीं है और हम लोग भयभीत हैं। ना हम अपना कोई कार्य कर पा रहे हैं, ना खेती कर पा रहे हैं, ना कहीं बाजार जा पा रहे हैं। इससे हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि इस कार्यवाही को आगे बढ़वाएं और अपराधियों को सजा मिले। क्या नाम है आपके लड़के का? अंगद तिवारी। जो अपराधी उनके क्या नाम है? अपराधी हैं 8 लोग, इसमें हरिशंकर शुक्ला, मुकेश शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला,
दीपू हजारी, रिंकू हजारी, भोलू दुबे, रवि दुबे और राम सिंह ठाकुर। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया दमोह के किला इलाके पर एक प्रतिमा लगाई जा रही जिसका विरोध हो रहा है। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि रानी दमयंती की प्रतिमा यहां पर लगाई जा रही है। हिंदू संगठन वाहिनी के द्वारा एक ज्ञापन दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम सौंपा गया है। दमोह नगर में महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाए, विशेष रूप से रानी दमयंती की प्रतिमा दमोह के किला इलाके पर लगाई जाए। इसके संबंध में आज जिला कलेक्टर होंगे समक्ष कभी कार्यकर्ता होकर और हम कभी की मांग है रानी दमयंती बाई के नाम से किला इलाके पर आएगी। अभी जो निर्माण हो रहा है उसके क्या स्थापित किया जा रहा है? चलो ठीक है, चलो आप बोलिए जी। आपके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, किन मांगों के लिए सौंपा जा रहा है? चूंकि दमोह का दमोह शहर का नाम रानी दमयंती बाई के नाम पर रखा गया है, राजा नल और दमयंती बाई का जो गौरवमय इतिहास है आज वो इतिहास के पन्नों में विलुप्त होता जा रहा है। इसकी कारण ये है कि यहाँ के लोगों ने कभी इसकी महत्वता नहीं समझी है। आज उनकी गौरव गाथाएं जब वीरांगना किसी नारी के सामने लिखा जाता है, मतलब उसने तलवार उठाकर अंग्रेजों से और मुगलों से युद्ध किया और उसके बाद इस शहर को बसाया। आज ये स्थिति हो गई है कि उनके नाम पे उनके इतिहास पे धूल जमती जा रही है। हम चाहते हैं कि समस्त जो दबों में चाहे किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है वो रानी दमयंती बाई का किसी भी पूरे क्षेत्र में एक स्मारक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो किल्लाइना का चौराहा है वहाँ पर रानी दमयंती जी की एक मूर्ति की स्थापना हो, और अगर ये जल्दी से जल्दी इनकी स्थापना नहीं होती है तो हम वृहद स्तर पर पूरे दमोह जिले में और भोपाल जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे रानी दमयंती बाई लोधी का, रानी दमयंती बाई की स्मारक के लिए। सर ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं आज की किल्लाइना के चौराहे पर नीचे 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 आंदोलन की तो छुट्टी हो नहीं पाती, हमारी तो बस आपसे मांग है, हमारे लिए तो आप हमेशा उपलब्ध हैं। हमारा ये कहना था कि तोड़ के आ गए आपकी आवाज सुनकर हमारी मांग ये है कलेक्टर महोदय से कि आप हमारा एक मैसेज पहुंचा दें कि वहाँ हम लोग जो अपना किल्लाई नाका स्थित जो गार्डन डेवलप हो रहा है वहाँ पर रानी दमयंती बाई जो वीरांगना दमोह जिनके नाम से दमोह का नाम। गत दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जहां ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं हिंदू जागरण मंच के द्वारा भी आज ज्ञापन सौंपा गया। अर्षद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के जटाशंकर के समीप सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, इसी बीच एक युवक के द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों से कमेंट किया गया। लाइव चल रहा था फेसबुक पर, ये लाइव चल रहा था, इस पर कमेंट किया गया। बाद में हिंदुवादी संगठन के सदस्यों के द्वारा हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कोतवाली पहुंचकर दमोह कोतवाली टीआई सत्यन सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे गए जिस पर हिंदुवादी संगठनों को आपत्ति और कार्रवाई की मांग की गई। शंकर मंदिर के समीप एक मंदिर में बाबू शर्मा जी द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था, इसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। उस पर कोई ये शुभम गुप्ता नाम का वही जटाशंकर कॉलोनी का लड़का है, वो अभद्र टिप्पणी अभद्र गाली गलौज लिख रहा था बार बार, जिसकी शिकायत हमने टीआई महोदय से की है थाना कोतवाली आकर, और टीआई महोदय ने ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया, आश्वासन दिया। पिछले शनिवार को सुंदरकांड कर रहे थे जटाशंकर मंदिर में, लाइव चल रहा था, तो उसमें कोई एक शुभम गुप्ता नाम का व्यक्ति जिसने कुछ अभद्र टिप्पणी की है, शुभम गुप्ता को बुलाया गया है, उससे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। दमोह के टाइम्स कॉलेज में एनएसएस का सफलता समारोह संपन्न हुआ, जहां पर वैक्सीनेशन सहित स्वच्छता पर विशेष बल देने की बात कही गई। टाइम्स कॉलेज दमोह में एनएसएस के द्वारा आज शपथ ली गई स्वच्छता को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। इसके अलावा देश में जो कई महत्वपूर्ण इस समय अभियान चल रहे हैं उनमें अपनी सहभागिता निभाने की और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की, ताकि आम जनमानस को जागरूक किया जा सके और लोग इस अभियान से जुड़कर अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। जिस तरह से एनएसएस का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। शहर में या कॉमन स्थान पर जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म,
बगीचा, हॉस्पिटल सभी स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखूंगा। साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाऊंगा तथा एक छात्र होने के नाते एवं एक नागरिक होने के नाते व एनएसएस का सदस्य होने के नाते सदैव सेवा कार्य में। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। सलक तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल दमोह की इकाई के तत्वाधान में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। दमोह के विजयनगर से श्री राम मंदिर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल दमोह इकाई के द्वारा हिंदी दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती पुष्पा चले के द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रघुनंदन चले, श्रीमती मनोरमा रथले मौजूद रहीं। माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ पूजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती बिमला तिवारी के द्वारा अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में काफी तादाद में साहित्यकार मौजूद थे। बनाए सरताज जग के दर्पण में दिखे बस हिंदी का ताज। साहित्य हम ऐसा रचें रच डाले इतिहास विश्व भाषा बन कर करे सकल जगत में पास। और फूल गुलाब के सजाए के घर में घर को गुलदान करके देखते हैं, गमों को मुस्कान करके देखते हैं, जिंदगी आसान करके देखते हैं। और सावन में चलो मीठी ईद मना ले, सावन में चलो मीठी ईद मना ले, सावन को रमजान में सावन को। क्या कार्यक्रम हुआ आज हमारे यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में? कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कवि आए और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कविताएं सुनाई। राम मंदिर समिति विजयनगर उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। मिशन अस्पताल में आज एक शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का यह आयोजन था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दमोह के मिशन अस्पताल में निशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें जबलपुर से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम नारायण नेमा और दंत चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने स्थानीय लोगों की निशुल्क जांच की। मैं डॉक्टर राम नारायण नेमा, हृदय रोग विशेषज्ञ जबलपुर। यहाँ पर जो हृदय जांच का कैंप लगाया गया, उसमें 100 से ज़्यादा लगभग 110 पेशेंट आए। इनकी खून की जांच, ईसीजी, बीपी और सारी जांच हुई है। और मिशन हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं श्री अजय लालू डॉक्टर अजय लाल, उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में यहाँ पर ये कैंप बहुत अच्छे से हुआ। और यहाँ पर मरीजों को इस कैंप के कारण बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। निःशुल्क ये पूरी तरह निःशुल्क है, तो सारी जाँचें ईसीजी बीपी वगैरह सारा सारा कुछ निःशुल्क हुआ है। सर, मिशन हॉस्पिटल दमोह में हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर अजय लाल, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, डेंटल कैंप, जिसमें हमने यहाँ पर सुबह से अभी तक तकरीबन 30 से 35 पेशेंट्स चेक करने हैं, जिनके एक्सरेज और उनका कंसल्टेशन आज बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो काफ़ी पेशेंट्स ने इसका लाभ लिया है और अभी हम शाम को भी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, तो शाम को भी काफ़ी पेशेंट्स आने की उम्मीदें हैं। और चाहते हैं कि दमोह के लोगों को हमारी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी लगें और उनको इससे
लाभ मिलता रहे, बस यही हमारा बन रहा है। यह निःशुल्क कैंप समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के द्वारा मिशन अस्पताल में लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कैंप का लाभ लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खबरों में आगे हम बात करेंगे गड़ाकोटा के, जहां पर नगर पालिका के द्वारा दवाई का छिड़काव किया जा रहा, ताकि मच्छर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उस पर अंकुश लग सके। गड़ाकोटा में नगर पालिका के द्वारा नगर में सभी स्थानों पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मच्छरों का आतंक खत्म हो सके। इस मौसम में लगातार मच्छर बढ़ रहे हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर कुछ समाचारों पर। कांग्रेस के द्वारा दिया गया विशाल धरना, जमकर बोला प्रदेश सरकार पर हमला। सहायक सचिव के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर दमोह में हुए अनेक कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। दमोह जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम पहुंचने के पहले हुआ कायाकल्प। नमस्कार।